things that I can't shake. Well, I was bound to drift across these plains. Hey guys, good morning everyone and welcome back to another video. आज है 9 तारीख और हाँ बहुत दिन हो गया है वीडियो निकाले, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. तो आज है 9 तारीख और मैं जा रहा हूँ सेवरले की सर्विस सेंटर, सेवरले बीट की. एसी में कोई एसी का सेंसर खराब हो गया है तो उसको चेंज करवाना है. इतनी गर्मी हो रही है कि बिना एसी के चलना यानी भट्टी में जाना हालत खराब हो जाती है. ऊपर से पेड़ काटते जा रहे हैं लोग रोड चौड़ी करने के चक्कर में और हालत खराब. तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सेवरले की जो कंपनी है वो इंडिया में बंद हो चुकी है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्विस सेंटर काम कर रहा है, सर्विस सेंटर अभी भी चल रहा है. तो पार्ट्स मिलने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, नई कार भी नहीं मिल पाएगी, नई कार तो मिल ही नहीं रही है. लेकिन जो पुरानी कारें जो खरीद लो चुके हैं उनके पार्ट्स मिलने में थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं पार्ट्स, मिल रहे हैं. और उससे थोड़ा टाइम लग रहा है, बुकिंग करानी पड़ रही है, 15 से 20 दिन लग रहा है. तो मैंने भी जो मेरा सेंसर ख़राब हुआ है उसके भी लास्ट मंथ मैंने एडवांस पेमेंट करके उसका बुक कराया, ये अब मंगवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा. तो आ गया था लेकिन उस बीच में भी मैं जा नहीं पा रहा था, बहुत पहले ही आ गया. तो आज टाइम मिला है तो सोचे जाके बनवा लें, बहुत ज़रूरी है. निकालनी पड़ जा रही है तो पैर में कार और तो हालत ख़राब हो जा रही है. अब बाइक से हिम्मत नहीं हो रही है इतनी धूप में जाने की. तो चलते हैं और Well, I was bound to drift across these plains. I come from a bloodline that's been cursed since the day. And there's a जितनी भी कार जा रही है सब एसी, एसी में चला रहे हैं, पूरा सब बंद पैक है पूरा. और यहाँ हम शीशा खोल के उसमें भी हालत ख़राब हो रही है, गरम गरम हवा लग रही है, लू मतलब नहाइए नहीं, कार में बैठ के निकल लीजिए. अगर एसी ख़राब है या एसी नहीं भी ख़राब है तो शीशा खोल के निकल लीजिए, नहा लेंगे 20 से 25 मिनट में और जाम में फंस गए. यहाँ का एक अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मैं आधे समय दिखाऊंगा, रिटर्न नहीं करते समय. यहाँ से जाना है लेफ्ट और लेफ्ट में नया होटल खुला है, जाना रेडिसन ब्लू. हालत खराब हो रही है बिना एसी के चल रहा. पैसा मिला नहीं, एटीएम में पैसा ही नहीं है. गोरखपुर के आधे एटीएम में तो यही दिक्कत रहती है कि उसमें पैसा ही नहीं रहता है. ये जो रोड है अभी साल भर 6 से 7 महीना पहले ही पूरा पेड़ ही पेड़ था इस रोड पे, इतना अच्छा लगता था. हाँ डिवाइडर तब भी नहीं था, लेकिन इसको 4 लेन बनाया जा रहा है और पूरा पेड़ काट दिया गया. अब हालत ये हो गई है कि फट के फ्लावर हो जाती है.
इतनी गर्मी यार, गवर्नमेंट को करना चाहिए, पेड़ काट रहे हो ठीक है, रोडे चौड़ी कर रहे हो ठीक है, लेकिन पेड़ लगाओ भी तो, बीच में डिवाइडर बना रहे हो तो उसमें बीच में जगह दो कि पेड़ लगे, ऐसे कैसे चलेगा, हालत खराब हो जाती है यार, और जाम में फिर फंस गया। ये ऐसा रोड है कि यहाँ हमेशा जाम ही लगा रहता है। उसमें भी पैसा नहीं है, इसलिए यार एटीएम लगा के रखे हो बैंक वाले, पैसा ही नहीं है, अब पसीने से हालत खराब हो रही है, और कहीं एटीएम आगे देखना पड़ेगा। अगर इस रोड पे सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में आ गया है भाई, इतनी गंदी जाम में फंसेंगे, इतनी गंदी जाम में फंसेंगे कि रोना आ जाएगा, और ऊपर से अगर एसी ना हो तब तो सोने पे सुहागा। आत्मा परमात्मा से मिलेगी। हवा का नामो निशान नहीं, क्या होगा, यहाँ से राइट सीधे रोड चला जाएगा एयरपोर्ट स्टेशन कुशीनगर, और ये जाएगा देवरिया। चल जा भाई यार, किनारे हो जाओ। खिड़की खुली हुई है लेकिन हवा नहीं है, हवा का नामो निशान नहीं है भाई रे भाई। पता नहीं क्या होगा, रोड पे तो सब मिट्टी डाल के रखे हैं यार, पता नहीं क्यों, इन सब रोडों पे पूरा पेड़ भरा भरा पड़ा था, पेड़ ही पेड़, एकदम छांव रहता था, छायादार रोड और एकदम ठंडा, और अब जो है उल्टा हो गया। यहाँ लेफ्ट में बन रहा है एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन, गोरखपुर में हर चीज अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, रास्ता चला जाएगा देवरिया, और ये गली में जाना है यार, हमको आगे समझ में नहीं आया कारों का सर्विस सेंटर गली में क्यों है, ना अंदर गली में देखो, अभी आप लोग देखिएगा रोड से एंट्री मारे गली गली गली। फाइनली सर्विस सेंटर पहुंच गए, इसको पॉज करते हैं। चलते हैं अंदर। आओ भैया, कैसे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ पार्ट नहीं लगा था? नहीं अभी ना, उसके बाद अभी आ रहे हैं। ओहो, हम भी थे नहीं, अच्छा हमको लगा लग गया होगा। नहीं, 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 नहीं चलिए, अच्छे टाइम पे आए हैं।
देखिए ओडोमीटर पे 13,774 किलोमीटर टिल डेट अभी तक चली है सबसे कम चली हुई कार, निकलती ही नहीं है यार, निकलती ही नहीं है, बहुत कम, रेयर। तो फाइनली ये है मेरी कार, सेवरले बी 2016 मॉडल। और ये भैया हैं जो पिछली बार कार साफ किए थे, पिछली बार के हमेशा ही कार साफ करते हैं, रुकिए दिखला रहे हैं। ये भैया हैं पिछली बार हमेशा मेरी कार साफ करते हैं और सबसे अच्छी कार साफ करते हैं। ये भैया मेरी कार अंदर लाते हैं हमेशा एकदम परेशान थे कि हम पिछली बार वीडियो बनाए थे वो वीडियो हमको दिखा नहीं अभी तक, तो अभी इनको वीडियो भी दिखाए हैं और इनसे बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, धन्यवाद। और आप लोग को दिखलाते हैं क्या कौन सा सेंसर मेरी कार की खराब है। एक मिनट, दिखा पाया तो दिखाऊंगा। ओके, ये जो ग्रीन वाला वायर है ये कट मार के इसको जुगाड़ से लगाए थे ये लोग, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। उसके बाद भी गर्म हवा ही आ रही है, एसी ठंडा तो कूल ही तो कर ही नहीं रहा है, तो वही ऑर्डर हुआ है। अब देखते हैं आ जाए तो इसको लगाने का भी दिखलाता हूँ। तो फाइनली भैया आ गए, नाम है कमलेश भैया और सेंसर निकाल रहे हैं शायद। अभी सेंसर भी दिखलाते हैं आपको क्या उसमें था, कैसे खराब था। दिखलाई भैया, तो ये है सेंसर, यही खराब था और इसको जुगाड़ से बनाया गया था वो भी काम नहीं किया। यही सेंसर भैया एसी कूल और हीट को करता है ना, हीट नहीं कूलिंग करता, सिर्फ कूलिंग का। तो हीटिंग का, हीटिंग का अलग है, थर्मिस्टर सेंसर। अच्छा थर्मिस्टर सेंसर, ठीक है भैया इसको चेंज करते हैं, फिर दिखाते हैं चेंज कराते हुए भी। यही ना भैया, भैया लेके आ गए नया सेंसर, ऑर्डर किया गया था इसको। कितने का है ये? 1600, मेड इन कोरिया, मतलब पार्ट्स मिल जाएगा लेकिन यही है कि ऑर्डर करना पड़ेगा और 10 से 15 दिन लगेगा आने में। और भैया आप लगाएंगे, मतलब इसे लगाएंगे और काम करेगा, कूलिंग करेगा ना, हालत मेरी ख़राब हो गई है, अब कार चलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। सब कोई देखेगा तो बहुत लोग हैं कि जब से सर्विस सेंटर नहीं बंद हो गया है सर लेगा, तो लोग सर्विस सेंटर आते ही नहीं है, बाहर से बना लेते हैं। तो यहाँ लोग देखेंगे कि यहाँ काम सही हो रहा है तो और लोग आएंगे, आप लोग का भी फायदा ही है इसमें, और बढ़िया ही है कि भाई कारें ज़्यादा आएंगी। अब ऐसे तो बहुत लोगों को नहीं पता है, कई जगह नहीं पता है कि यहाँ सर्विस सेंटर भी काम कर रहा है, लगता है कि बंद ही हो गया है। यही एक चीज़ बढ़िया है इसमें। एक बार और भैया फिर से घुसे हैं अंदर, हो गया, लग गया। चेकिंग चल रही जो वो सेंसर लगा था ना पुराना वाला, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, शुरुआत में थोड़ा देर तो ठंडा कर रहा था लेकिन उसके बाद एकदम पूरा गर्म। हाँ कूल अभी तो कर ही रहा है।
सो फाइनली अभी चेकिंग चल रही है कार की, कम से कम 10 मिनट चेकिंग चलेगी और देखेंगे कि कहीं फिर दिक्कत ना हो कोई सेंसर से, कूलिंग सही कर रहा है कि नहीं। 10 मिनट कार ऑन करके छोड़ा जाएगा, ऑन ही है पूरा एकदम हीट। लेट्स चेक क्या होता है, अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं मिनट। आहा, जन्नत है भाई, एसी है तो बढ़िया है। जिस हिसाब से पेड़ काटा जा रहा है हालत तो खराब होनी है। तो अंदर आ गए और कूल कर रही है यार, एकदम जन्नत का एहसास हो रहा है, ठंडा। घर से निकले थे तो एकदम हालत खराब थी, सेकंड पे जला दिया। और ये हाँ 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 मजा आ गया। लेट्स चेक कितना देर तक कोई दिक्कत ना हो, बस यही मना रहे हैं। 10-15 मिनट जो भी कार चला के देखना है यार, चला लो, चेक कर लो, बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो इसमें अंदर की हवा सर्कुलेट कर रही है तो कूल हो रहा है। लेट्स चेक, देखते हैं कि बाहर से कर दें अगर तो फिर क्या कूलिंग करता है। इसको 2 पे कर देते हैं, कूलिंग कर रही है 3 पे, थोड़ा बाहर से सर्कुलेशन। तो भैया अभी जो अभी चेंज कर रहे थे तो वो बताएं कि जो सेंसर होता है वो कूलिंग कॉइल के जस्ट बगल में ही होता है, तो कूलिंग कॉइल के बगल में होने की वजह से ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या दिक्कत कैसे ख़राब होता है ये नहीं मालूम, उसके बगल होने से अगर उसको कूलिंग कॉइल साफ ना किया जाए तो उसको सेंसर भी ख़राब होने का दिक्कत रहता है। तो बोले हैं कि अभी चेक करने के बाद कूलिंग कॉइल भी जो है वो साफ़ करेंगे, तो उसका भी आपको दिखाएंगे वीडियो। अंदर तो नहीं दिख पाएगा लेकिन ट्राई करेंगे कि दिख जाए, होप फॉर द बेस्ट। चलो फिर, ये तो फाइनली भैया कूलिंग कॉइल सही से साफ कर रहे हैं, देखा जाए कूलिंग कॉइल कैसा होता है। निकलेगा क्या भैया? नहीं वो नहीं। अच्छा निकलेगा नहीं, ये क्या है? ये ब्लोअर है, ये हवा फैन देता है इसी जरिए से। अच्छा एसी के लिए? एक 2-3-4 बढ़ाएंगे तो बढ़ता रेस होता जाएगा। ये भी गंदा ही है थोड़ा बहुत, ये एसी का ब्लोअर। ये प्लेन का इंजन अच्छा लग रहा है, खूबसूरत, बस गंदा है, इसको भी साफ हो जाएगा ये। चलो ये निकला, ये क्या इसी साफ हो गया, मशीन है इसका। अच्छा आज दिखा, देख सकते हैं नीचे से लेकिन दिखेगा नहीं। ये मशीन है, इसको भी साफ करेंगे भैया, ये जो निकाले हैं। हाँ वही मारेंगे कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट। हो गया, इसमें वो लगा था ब्लोअर, वो येलो वाला,
और ऊपर इसमें रहता है, इसके अंदर उसका एक जाली टाइप की रहती है, उसमें डस्ट वस्ट ना जा सके। तो वो लोग वो दोनों ले गए हैं साफ करने के लिए, और इसको अभी साफ किए हैं, पूरी वायरिंग। और ये साफ किए हैं, पूरा पानी निकला। बस ऐसी काम करना चाहिए अच्छे से, और क्या चाहिए। ओके, तो फाइनली वो साफ भी हो गया, उसका दिखाया, थोड़ा सा दिखा पाया, मतलब पूरा नहीं, अंदर तो एकदम डैशबोर्ड के नीचे है, तो उसमें दिखा भी नहीं पा रहा था। तो जब वो बाहर निकाले ब्लोअर, तो वो उसमें दिखा दिया। और कूलिंग ठीक ही है, अभी तो ठंडा ही कर रहा है, 2 पे चला रहे हैं। दो पे ये चल रहा है और टेम्परेचर 2 पे है, 1, 2, 3। कूलिंग ठीक है, कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और अभी कूल कर रहा है, तब से ठंडी कर रही है गाड़ी। और बहुत राहत है यार, पसीना बहुत हो रहा है, हालत ख़राब हो गई। तो साफ हो रही थी, तो एक भाई आगे पूछ रहे हैं पीछे अपनी कार, वो भी उनकी भी बीट है, सर्विस करा रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया ये कहाँ से लगाएं। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत पोर्टेबल है, और इसमें यहाँ जगह भी है सामान रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं रखना है तो पीछे कर दो। तो इसको मैंने अमेज़न से ही शायद मैंने इसको ऑर्डर किया था, 1500 का था ये, और यहाँ पर शॉप है एक, तो वहाँ से मैंने इसको लगवा लिया। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम रहता है। मैं हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम मैं हमेशा मेरा एक हाथ तो वन हैंड ड्राइव ही चलाता हूँ मैं, और जब भीड़ उड़ होता है तो या हाईवे पे है तब दोनों हाथ लगा दिए, नहीं तो हमेशा एक हाथ नीचे ही ऐसे रहता है गियर के ऊपर नॉब। और पहले जब नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी, सीधे पूरा नॉब पे ही रहता था प्रेशर, और गियर नॉब पे प्रेशर डालना नहीं चाहिए, तो उसके भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इट्स बेटर कि कुछ निकाला जाए, तो बीट में ये तो आता नहीं है आर्मरेस्ट, तो मैंने इसको लगवा लिया। बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत आरामदेह, मैं कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको यूज़ करते हुए, बहुत बढ़िया है, बहुत पोर्टेबल है। तो जिसकी गाड़ी में नहीं है वो तो लगवा ही ले भाई, अगर जिसको पसंद है तो। बाकी कूलिंग कर रही है गाड़ी, और चलते हैं बिलिंग कराते हैं, और फिर उसके बाद लेके निकलते हैं, मिलते हैं। फाइनली सारा काम हो गया और पेमेंट कर दिया, बिलिंग हो गई, और अब रिटर्न घर के लिए वापस। तो जो बिल बना है वो बना है 1991, जिसमें से 1000 रुपये का पेमेंट पहले ही कर चुके थे, 991 का पेमेंट अभी हुआ है, और एसी परफेक्ट काम कर रहा है, मतलब एकदम कूल है कैबिन, नहीं तो जाते समय तो हालत ही एकदम ख़राब थी। फाइनली काम हो गया, और जो सेंसर था वो एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो ये सेंसर था, शायद मैं जब अंदर दिखा रहा था डैशबोर्ड के नीचे, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों कि मैंने दूसरी तार दिखा दी, दूसरा कुछ दिखा दिया, लेकिन वही था। बट ये सेंसर खराब था, और वो कॉइल से, कूलिंग कॉइल से टच होने की वजह से शायद, अब क्या कि किसी हीट की वजह से ये 2 जगह से ब्रेक हुआ है, तो इसकी वजह से कूल नहीं कर रहा था। अब अंदर का तो पूरा क्या है वो तो मुझे नहीं पता ठीक से, तो ये चेंज हुआ है, ये पड़ा 2000 के आसपास। और कूलिंग कॉइल साफ किया है, तो अब थोड़ा आगे पहुँचते हैं फिर बात करते हैं। मैं एक चीज़ और भी सोच रहा हूँ कि अपनी कार के शीशों पे फिल्म लगवा लूँ, तो आप लोग बताइए क्या जरूरी, मतलब ठीक रहेगा फिल्म लगवा लिया जाए, हल्का, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, डार्क नहीं। मतलब ये तो नॉर्म्स में यही है कि 70% विजिबिलिटी होनी चाहिए,
लेकिन जो धूप और गर्मी है, इतनी कड़ाके की धूप, ऐसे लग रहा है सूर्य भगवान एकदम बगल में ही आ गए हैं। तो सोच रहे हैं, आप लोग बताइए कि लगवाना सही रहेगा कि नहीं, इसका क्या मतलब बेनिफिट है, ये तो मुझे भी नहीं पता बेनिफिट मतलब है भी कि नहीं। धूप लोग कहते हैं कि इसको लगा लोगे, कई वीडियोस में भी मैंने देखा कि कार थोड़ी थोड़ी सी मतलब ठंडी रहती है, धूप तो नहीं आएगी ये तो पक्का है, लेकिन ठंडी रहेगी। अब ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सही रहेगा कि नहीं। और धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, जाम में फंसे हुए हैं। Singing songs about the South Leon, living life like a simple man. I'm doing fine, barely getting by. Well, I don't need a lot of money or things that shine. आज कहा जाए तो मेरा लक भी थोड़ा ज्यादा अच्छा था कि मैं जाम में फंसा नहीं, फंस गया जाते समय भी आते समय भी, उसका हालत खराब हो गया थी भाई। चलिए तो फिर एट लास्ट यही बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, अगर आएगा तो आंसर जरूर दूंगा। और बीट कार है तो आप लोग उसकी सर्विस सेंटर पे ही कराएं तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सा पैसा चार्ज लगेगा, एक्सपेंस ज़्यादा है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन चीज़ जेन्युइन लगनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए वीडियोस मिलते रहें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस, अब नया वीडियो अभी तो अगला वीडियो कब डालूंगा इसका तो नहीं कुछ वो है, लेकिन जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ वैसे कि अपनी कार में जो 5-6 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगवाई हुई है वो उसका वीडियो एक बनाऊँ, और होप सो जल्दी बनाऊँगा किसी दिन खाली रहा तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए एंजॉय, सेफ ड्राइव, चला रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं, सीट बेल्ट तो भाई कंपलसरी है, सीट बेल्ट बांध के रखिए, और जो आपके को पैसेंजर हैं या पीछे बैठे हैं उनको भी बोलिए कि सीट बेल्ट बांधें, बिना सीट बेल्ट के चलना आई डोंट थिंक अच्छी बात है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल और लाइक, अगर और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।